राष्ट्रवादी काँग्रेसची बुधवारी समन्वय समितीची बैठक झाली। या बैठकीत दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या जागा वाटपासंदर्भातही चर्चा झाली। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं नेहमीप्रमाणे 50-50% जागांची मागणी केली, पण 144 जागा देण्यास काँग्रेसनं राष्ट्रवादीला स्पष्ट नकार दिलाय। आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे। मागेही आमची भूमिका होती की आम्हाला बरोबरीची जागा पाहिजे, आम्हाला निम्म्या निम्म्या जागा महाराष्ट्रात पाहिजे, हे आम्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे। आणि आता स्वाभाविक आहे की त्यांना दिल्लीच्या स्तरावर त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच आम्हाला त्यांचे मत सांगतील, आणि तोपर्यंत आम्ही वाट बघू। अभी दोन तीन दिन अभी समय लगेगा। जो आधीचा फॉर्म्युला आहे तोच फॉर्म्युला यापुढेही कायम राहील असं सांगत काँग्रेसनं थेट शब्दांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला 144 जागा द्यायला नकार दिला। उनको 50% जगह चाहिए तो किसी परिस्थिति में हम 50% जगह नहीं दे सकते, इनको स्पष्ट रूप से बताया गया है। और इस बारे में उनको कहा गया है कि हम एक्सचेंज के लिए जो भी जरूरी है, जहां पर कांग्रेस के आने की उम्मीद है या एनसीपी के आने की उम्मीद है, वहां पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो भी कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनके लिए भी हम एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी हालत में सीट शेयरिंग नहीं होगी। अगर उसमें सीट शेयरिंग करना है तो जो फार्मूला